नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में और मेरा नाम है अनुभा कपिल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट कोटेड ओरियो बिस्किट्स। बेसिकली तो ये ओरियो बिस्किट्स होंगे, चॉकलेट कोटेड होंगे, बट ये देखने में बिल्कुल भी आप नहीं विश्वास कर सकेंगे कि इसके अंदर ओरियो बिस्किट है। खाने में लाजवाब, बच्चों के लिए मनपसंद और लुक में भी बेहद आकर्षक ये रेसिपी है। और मजेदार बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है और बनाने में है बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिए हैं ये ओरियो बिस्किट्स। ये ओरियो बिस्किट्स का पैकेट आप जो भी बच्चों को पसंद है फ्लेवर वो ले सकते हैं। साथ में मैंने दो इंग्रेडिएंट्स के साथ लेने हैं, आप एक भी ले सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट और ये मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट की जगह आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, पर डार्क चॉकलेट थोड़ी सी बिटर होती है, इसलिए मिल्क चॉकलेट मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप चाहे तो केवल मिल्क चॉकलेट से बना सकते हैं, चाहे तो व्हाइट चॉकलेट से, चाहे तो दोनों से, जैसे कि मैं बनाने जा रही हूँ। और साथ में थोड़े से स्प्रिंकलर्स, ये आप अपने पसंद से कैसे भी स्प्रिंकलर्स ले सकते हैं। और थोड़े से चाहिए इसके लिए मोल्ड, ये मेरे पास है सिलिकॉन मोल्ड। यदि आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप इनको केवल डिप करके भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या करना है, दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट कर लेना है अलग अलग। इसको मेल्ट करने की और ठीक से टेम्पर करने की मैंने रेसिपी पहले से, वीडियो पहले से शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इन दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट और टेम्पर कर लेती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही चॉकलेट्स को अच्छे से मेल्ट कर लिया, व्हाइट चॉकलेट को भी और ये मिल्क चॉकलेट को भी। अब फ्रेंड्स, मैंने क्या करना है, लिया है मैंने मोल्ड। ओके, मोल्ड में पहले मैं एक चॉकलेट की थोड़ी सी कोटिंग नीचे करती हूँ, पहले हल्की सी इसमें नीचे हल्की सी कोटिंग करती हूँ चॉकलेट की, इस तरह से किसी भी दोनों चॉकलेट करूंगी, पहले मैं ये मिल्क चॉकलेट की कर रही हूँ। ओके, अच्छे से। और अब मैं इसमें रख रही हूँ ये, इसको ध्यान रखें कि साइड्स की जो साइड्स में जो इसकी दीवारें हैं, साइड्स हैं, इसको अच्छे से कोट कर देना है। ओके, और इसमें मैं ये रख रही हूँ ओरियो, इसको मैंने प्लेस किया और वापस इसको मैं कवर कर दे रही हूँ इस चॉकलेट से, इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, हमारा जो ओरियो बिस्किट है इसके अंदर अच्छे से चला गया, इसको मैं थोड़ा सा टैप कर देती हूँ, इसको रख देती हूँ साइड में। और सेम ही प्रोसेस से मैं ये व्हाइट चॉकलेट भी इस तरह से लगा रही हूँ और रख रही हूँ मैं ओरियो इसके अंदर भी इस तरह से। और इसको मैं इस तरह से फिल कर दे रही हूँ। अब लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इनको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये सब अच्छे से सेट हो चुके हैं। आपको निकाल के दिखाना चाहूंगी ये, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड से इसलिए बहुत आराम से निकल जाते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती निकालने में। ये देखिए कितनी क्यूट निकल के आई है। इसी तरह से ये हमारी मिल्क चॉकलेट वाली और ये व्हाइट चॉकलेट दोनों निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी सारी, इतनी अच्छी निकल के आई है। तो मैं सबको डिमोल्ड कर लेती हूँ पहले। अब फ्रेंड्स, मैंने दो ये है ये पैकिंग बैग, इसमें मैंने व्हाइट चॉकलेट भरी है और इसमें मैंने ये मिल्क चॉकलेट। और अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा फिल किया आगे से और ये किया और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ स्प्रिंकलर्स। इससे क्या होगा, ये जो चॉकलेट है ना, ये इसको अच्छे से सेट हो जाएगी इस पर। ये आप अपने पसंद कोई भी स्प्रिंकलर्स इस पर डाल सकते हैं। और अब ये व्हाइट चॉकलेट और इसको मैं ऐसे कर रही हूं स्प्रिंकल हल्का सा, और इस पर मैं डाल रही हूं दूसरे तरह के स्प्रिंकलर, ये वाले। और लीजिए फ्रेंड्स, जो मैंने जिग-जैग किस तरह से कर दिया, क्रॉस क्रॉस कहीं किस तरह से, और इसमें मैं फिर से स्प्रिंकल कर रही हूँ ये स्प्रिंकलर्स। ये इस पर जिस तरह से हम डालेंगे उसी तरह से ये इस पर सेट हो जाएंगे। और ये बेहद आसान है और बहुत अच्छे लगेंगे। इस काम में आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा ये काम। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे भी इस तरह से कर लेती हूँ रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अलग अलग तरह से इनमें स्प्रिंकलर्स डाल दिए चॉकलेट को,
इसपे डाल के, और फिर फ्रेंड्स मैंने थोड़े से कम बनाए हैं, आप चाहें ज्यादा बना सकते हैं, अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ाए घटा सकते हैं जितने चाहें तो। और फ्रेंड्स आप अपनी पसंद से क्रिएटिविटी के हिसाब से इधर साइड में या साइड में भी डाल सकते हैं चॉकलेट, और उसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालकर इसको डेकोरेट करके और सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बच्चों के स्कूल में दीजिए, बच्चों के फ्रेंड्स बहुत पसंद करेंगे, बच्चे पसंद करेंगे, वैसे आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये बहुत आसान सी बहुत ही इजी सी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।